स्क्रीन इज विजिबल? यस, बताइए जरा, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ओके okay. तो हम बात कर रहे थे कि अगर एंडिंग में थ्री डिजिट है, यानी वंस प्लेस पर अगर थ्री है, तो उसको थ्री से मल्टीप्लाई करके हम जो है एंडिंग में नाइन बना सकते हैं, है ना? एंडिंग में नाइन बना सकते हैं। तो बताइए जरा, ये 23 × 3 क्या होगा? 69 हो जाएगा, राइट? तो ये 69 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं एंड में जब नाइन आता है तो ऑस्कुलेटर फाइंड आउट करना आसान होता है, ठीक है? तो व्हाट विल द ऑस्कुलेटर ऑफ 69, बताइए जरा, व्हाट विल बी ऑस्कुलेटर ऑफ 69? यस, 7 हो जाएगा। बस ये आपको करना है, यानी जो एंडिंग थ्री है वो सब जो है इसी प्रकार से कर सकते हैं। इट मीन्स आपको देखो कितना स्कोप बढ़ जाता है डिविजिबिलिटी चेक करने का। तो आइए देखते हैं इसको 7 का यूज करते हुए, ऑस्कुलेटर का थोड़ा सा सिक्स टू थ्री हम जो है लिखते हैं, और 7 जो है यूज करते हुए इसका फाइंड आउट करते हैं। तो इसका कैसे होगा? तो बताएं, 7 हम जैसे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, ऑस्कुलेटर से, और प्रीवियस जोड़ देते हैं तो 7 या 21 + 2 23 हो जाएगा, राइट? है ना, ये आ जाएगा 23। और अब नेक्स्ट डिजिट से पहले नीचे लिख देंगे। तो आप बताएं उसके बाद क्या करना है, आप समझ रहे बात क्या करना है? और जो एंडिंग में वंस प्लेस पर जो होता है 3 आ गया, तो हम ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 प्लेस भी ऐड करते हैं, है ना? 10 प्लेस क्या है इसमें? 2 है। और नेक्स्ट प्रीवियस डिजिट्स भी ऐड करते हैं तो 21 + 2 23 आ जाएगा, इसमें भी 23 आ जाएगा, राइट? तो अब 23 आ गया। उसके बाद फिर हम करते हैं 23 जो आता है, 23 जो आया हुआ है, 23 में 3 जो आ गया, 23 × 3, 23 का मतलब है 3 लेंगे, और 3 × क्या लिखेंगे? ऑस्कुलेटर, राइट? है ना, 3 × 7, और प्रीवियस 69 21 2 हो जाएगा, और 7 में क्या हो जाएगा? 21 और हाँ, 21 और 2 29 23, 29 और 23 और 6 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, राइट? और फिर वन प्लेस क्या आ जाएगा इसका? वन प्लेस है 9 है, तो 9 × क्या हो जाएगा? वही ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई किया और प्रीवियस डिजिट जो है 10 प्लेस है 69 क्या ऐड किया, तो ये हो जाएगा 63, 9 से 63, और 6 69, तो ये 69 ही आ गया।69 ये अगर 69 आ जाए, ये अगर 23 का ही,69 ये 23 का मल्टीपल आ जाएगा, तो और या 69 आ गया, तो मुझे लगता है कि ये 69 आने पर तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है आपको कि ये डिविजिबिलिटी बाई किससे है? 23 से है, राइट? 23 से, क्योंकि 69 जो है 23 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं। तो ये जो है आपका वे है काम करने का। तो मैं अभी इसके स्कूल उसके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर नहीं जाऊंगा अभी, और इसका जो क्वेश्चन है कल हम इसको एक फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड द क्वेश्चन इन दिस टाइप, जब हम इस नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करके और 9 बनाते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम ये 9 1 को भी बना सकते हैं 9, और 3 को भी बना सकते हैं, 7 को भी 9 बना सकते हैं, और एंडिंग में 9 तो है ही। तो आप मुझे ये बताओ, एक मैं नंबर दे रहा हूँ और मुझे आपको ये बताना है कि ये डिविजिबिलिटी है कि नहीं। और 784 ये आपका एक नंबर है, और आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है इस मेथड से ही, और वो करनी है 7 से। तो बताइए जरा, व्हाट विल बी द ऑस्कुलेटर इन दिस केस? यस, बताएंगे, व्हाट विल बी द ऑस्कुलेटर इन दिस केस? बताइए जरा क्या होगा ऑस्कुलेटर? वेरी गुड, बिल्कुल कृष्णा ने सही बताया कि 5 है ना? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्योंकि 7 7 था 49, क्योंकि एंडिंग में 9 बनाना है, और आपका 49 + 1 क्या होता है? 5। यस, अब बताइए जरा, इट इज डिविजिबिलिटी, इसकी जो डिविजिबिलिटी है या नहीं है, बताइए जरा। 7 से आपका यानी ऑस्कुलेटर 5 का यूज करते हुए बताएंगे जरा, क्या इसका एंडिंग नंबर क्या आएगा?
चेक द फ्यूजिबिलिटी, और मुझे ये बताना है कि इसकी जो फ्यूजिबिलिटी क्या होगी, बताएं जरा। एंडिंग जो है रिजल्ट क्या आएगा इसका? पाई ऑसिलेटर आ गया, वेरी गुड। दो तीन स्टूडेंट्स ने लिख भी दिया है कृष्ण और पायल, बहुत ही फटाफट बता रहे थे, वेरी गुड। तो आपने देखा कि ये जो है 49 ही आएगा, तो यस। तो ये डिविजिबल है या नहीं है, ये बताना है। इट इज द डिविजिबल और नॉट, बताएं जरा। इट इज डिविजिबल और नॉट, यस इट इज द डिविजिबल, राइट। हाँ ये डिविजिबल है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा है सबको, है ना? यस यस। तो ये जो है डिविजिबल है, और तो आप देख रहे हैं कि हम कैसे डिविजिबिलिटी, तो आप देख रहे हैं ये कितना आपका जो है इसका एरिया बढ़ गया है डिविजिबिलिटी का। तो और आइए और जो एक नंबर लेते हैं, और आपका जो नंबर है नोट करें, 17051, 17051। वाई आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 70 से, बताइए व्हाट विल बी द ऑस्कुलेटर फर्स्ट। पहले ऑस्कुलेटर बताना आपको क्या हो, व्हाट विल बी द ऑस्कुलेटर इन दिस केस। व्हाट विल बी द ऑस्कुलेटर इन दिस केस, यस वेरी गुड वेरी गुड। 17 है, 12, सॉरी 12, 12 बारह है, क्योंकि 17 7 नहीं, क्या होता है 119, और 119 प्लस 1 क्या हो जाएगा 20, 120, और उसका 12 जो है वो ऑस्कुलेटर आता है। चलो आप बताइए जरा क्या इसका एंडिंग रिजल्ट है। इट इज डिविजिबल बाई 17 और 9, ये आपको बताना है। ट्वेल्व इसका जो है आता है ऑस्कुलेटर। अब ये आपने बताना है कि इट इज द डिविजिबल बाई 17 और नॉट, यस जल्दी से बताइए जरा। आपको एंडिंग बताना है, व्हाट विल बी द एंडिंग नंबर इन दिस केस। एंडिंग नंबर क्या है इस केस में, एंडिंग नंबर क्या होगा वो बताना है। 68, वेरी 68 है ना, ला एंडिंग में 68 आता है। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि ये जो है नंबर यस है या नो है, बताए बता। यस है और नो है, बताए क्या है। इट इज द डिविजिबल और नॉट, नॉट रितु लिख रही है नॉट, और कोई बताए बाकी क्या कहते हैं। नो फाइल भी कह रही है नो, है ना? बताएं जरा सभी, लिखें यस और नो। यस और नो, यस सभी लिखें भाई, कंफ्यूज हो गए हैं आप। मेरे पहला लड़का है जो कह रहा है कि यस, तो बताइए जरा आपका, आप कैसे कह रहे हैं यस, थोड़ा रीजन भी बता दीजिए। पायल भी कह रही है ये सब, इसका रीजन बता दीजिए। 68 आया है, बताइए क्या ये फिजिबल है या नहीं है, रीजन क्या होगा इसका, इसका रीजन बताएं जरा। व्हाट विल रीजन इन दिस केस,
ये ओ वेरी गुड वेरी गुड। पहले लिखा है कि यस इट इज द 68 इज डिविजन बाय 17, वेरी गुड। ये मैंने बोला था बीच में कि अगर ये 17 का मल्टीपल आ गया तो ये हम कह सकते हैं कि यस इट इज द डिविजिबल बाई जो है 17। ऐसे ही हम 23 का भी देख सकते हैं, क्योंकि 23 से अगर 29 69 आ गया, 46 आ गया, तो ये हाँ तभी तो हो रहा है ना कि भी हम चेक करेंगे। विनय ठीक कह रहा है, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर हम रूल क्या फाइंड आउट करेंगे इसका, यानी अगर ये लास्ट में अगर 17 का मल्टीपल आता है, जो नहीं लास्ट में जो है ये 17 7 119 यानी अगर आता है तो लास्ट में 119 आएगा, ऐसा नहीं है। लास्ट में क्या आना चाहिए, जो 17 का चेक कर रहे थे हम, डिविजिबिलिटी 17 की चेक कर रहे थे, तो हम जो है 17 का मल्टीपल आए तो इट मीन्स ये डिविजिबिलिटी चेक हो गई है। आई थिंक इट इज ओके टू एवरीवन, इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। जो नो बोल रहे थे तो उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके ओके वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये तो देखो कंफ्यूजन तो होता ही है कभी कभी, और उसका जो आंसर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर डिविजिबिलिटी 13 से चेक करनी हो तो हमें उसका ऑस्मुलेटर क्या होगा, बताएं लिखिए। अगर हमें डिविजिबिलिटी 13 से चेक करनी हो तो उसका जो है ऑस्मुलेटर क्या होगा, बताएं जरा। व्हाट विल बी ऑस्मुलेटर इफ इट इज चेक बाई 13? वेरी गुड, 4 होगा, है ना, क्योंकि 13 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 39, और उसका जो है 4 जो है आता है। आपको मुझे लगता है कि ये जब समझ में आ गया है होगा। अभी एक केस हमने नहीं लिया है अभी, जिसके एंडिंग में 1 होता है, वो हम कर लेंगे, और उसका थोड़ा अलग होगा, और आप देखेंगे कि वो तरीका क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। और हम दो तरीके से निकाल सकते हैं 7 का, 7 का भी दो तरीके से। जस्ट एक तो 7 इंटू 7 है, ये आ जाता 49, ये ऑस्कुलेटर क्या आ जाएगा इसका, 5। एक छोटा करने के लिए हम 7 इंटू 3 21, यानी एंडिंग में 1 आ जाए तो तब भी हम जो है उसका आंसर 7, इसको जो है एंडिंग में 1 भी आ जाए तब भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ये जो है तरीका क्या है हमारा, अगर एंडिंग में 1 है या एंडिंग में 9 है, दोनों तरीके से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और कल एंडिंग 1 होगा तो हम कैसे करना है, और कल जो है इसका क्वेश्चन भी कैसे निकालने हैं, जैसे जैसे 3 का एंडिंग 23 है, एंडिंग जो है एंडिंग 17 है, 17 का ऑस्कुलेटर तो कैसे फाइंड आउट करना है, जो हमने मल्टीप्लाई करके इसको 9 बनाया था तो हमें इसका ऑस्कुलेटर कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये भी देखना है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितना हमारा जो डिविजिबिलिटी जो है इसका जो एक्सटेंशन हो जाता है इस मेथड से। तो अभी तक हम केवल थोड़े से ही नंबर का डिविजिबिलिटी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 46 का डिविजिबिलिटी करनी है तो इसके भी आप कर सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं 46 मीन्स 2 इंटू 23, और 23 का हमें पता है, 23 का हमें पता है कि एंडिंग 9 बनाया जा सकता है, और 2 का हमें पता है कि भी इवन होगा तो 2 से भी वो डिवाइड होगा, तो हमें देखो 46 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी हम 49 का भी निकाल सकते हैं, 51 का भी निकाल सकते हैं, 53 का भी क्योंकि एंडिंग में 3 है, 54 का भी निकाल सकते हैं क्योंकि 2 इंटू क्या होता है इसका, 27 होता है, 27 का हमें पता है कैसे फाइंड आउट करना है। 56 का भी निकाल सकते हैं क्योंकि 4 गुना 8 होता है, 4 का भी हमें पता है और 8 का भी पता है, और 57 का भी निकाल सकते हैं, है ना, 19 3 57 होता है, तो 3 19 गुना 3, तो 3 का हमें पता है, तो 19 का भी पता चल गया है। यानी हम अब हम इस मेथड से सभी जो है नियमों को, सभी जो है नंबर का ऑस्कुलेटर से या और दूसरे मेथड से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं डिविजिबिलिटी। तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि हम जो है वैदिक मैथमेटिक्स में इतने सभी नंबर्स का जो है ऑस्कुलेटर से डिविजिबिलिटी कर सकते हैं। तो
ठीक है, आज इतना ही, और कल हम जो है सभी को एक बार कॉल करना, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कल जो है कुछ रिविजन भी करेंगे, आपको उस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, और थोड़ा डिविजिबिलिटी का भी हम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कल शाम तक जो है, कल शाम को फिर हम बात करते हैं, मिलते हैं, और उसका जो है नए तरीके से डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, और कल थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। सर प्लीज, एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर और जो ऑफलाइन डिवीजन का टॉपिक हुआ है उसके भी वीडियो अपलोड कर दो। ओके, तो देखते हैं कैसे हो सकता है। अगर एलसीएम तो हमने कल फाइंड आउट किया था, परफेक्ट स्क्वायर, इन परफेक्ट स्क्वायर का, यस, ये भी हम बात कर लेंगे कल, है ना। और रिवीजन का जो हुआ था वो भी हम कुछ बात कर लेंगे। तो ठीक है, कल डिस्कस करते हैं सभी, और कल हम बात करेंगे जो आपके डाउट्स हैं, एंड वी विल डिस्कस एंड वी विल रिमूव योर डाउट्स, एंड हम अच्छा ही सोचेंगे आपके लिए, अच्छा करेंगे, जो नहीं के भी जो है आपका अंधेरे में रखें, और अच्छा ही हम आगे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, सनी बोल रही हूँ सर। हाँ सन्नी, नमस्ते जी, हाँ नमस्ते सन्नी जी, नमस्ते। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी इनको थोड़ा सेशनल का क्लियर कर देना सर। आपने शायद कल कर भी दिया होगा आई थिंक ऑफलाइन क्या क्लास में, कि सेशनल, जैसे एक बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम सेशनल में क्या आएगा, तो मैंने कोर्स प्लान वैसे शेयर कर दिया है ग्रुप में, बट फिर भी बच्चे कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था सर जब क्लास कल लेंगे तो एक डिस्कस बार कर लेंगे डिस्कस हम कर जो है, देने का कल सर। बात कर लेंगे एक बार, और जो टेस्ट के लिए कल हमने हाँ जी, भेजे क्वेश्चंस, इसी टाइप से क्वेश्चन जो है आएंगे, और जो आपके सिलेबस से आएंगे, ठीक और है। हाँ आप जो है उसी को जी, एक, वो आपने असाइनमेंट्स भी शेयर की हुई है, देख लिया था मैंने वर्कशीट्स वगैरह। तो हम तो हर हाँ चीज जी, जो है क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि कोई किसी को कोई डाउट ना रहे, है ना। एक्चुअली सर जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं ना वो तो सही है, जो नहीं आ रहे हैं ना, मुझे थोड़ा सा हाँ, ये उसका था तो कि कोई कोई चलो वो इलाज भी नहीं कर है लें, हमारे क्योंकि पास, वो तो उसका मैंने इलाज। उनको। हाँ, हाँ इलाज तो जी यह है कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है, कुछ वहां से आप जो है वो ले सकते हैं ना। हाँ जी हाँ जी बेटा, स्टूडेंट्स बेटा, एक अनाउंसमेंट ये थी कि मंडे को हम आपकी टी शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, ठीक है? तो मंडे वाली क्लास जरूर लगाना आप लोग, और मंडे के बाद ट्यूसडे या वेंसडे किसी भी दिन हम एक फोटो सेशन रखेंगे, जिसमें सर भी होंगे, प्रिंसिपल सर भी होंगे, और जो हमारे बाकी टीचर्स हैं वो साथ में होंगे बेटा। तो आप प्लीज ध्यान मंडे रखना कि को, नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लासेस हैं उसमें आप आओ मंडे को आप ये भी डिक्लेयर सर। कर आप दीजिए, मंडे को लेंगे ना ऑफलाइन क्लास? आप पूरे वीक लेंगे, हेलो। और आप हाँ जो है जी मंडे को ये भी डिक्लेयर करो कि टेस्ट कब होना है, राइट। हाँ जी सर, वो भी सर वो आप बताएंगे कि टेस्ट कब लेना चाहेंगे आप। मेरा तो रेडी है टेस्ट में सब कुछ, मैटर मैं आपको भेज सर दूंगा। आप और ग्रुप में शेयर कर दो कि बच्चे अपने आप फिर ध्यान देंगे अपने आप ही, क्यों नहीं आ रहे तो उनकी गलती है ना सर। राइट राइट, ठीक है ठीक है ठीक। तो ठीक है चलो, सर आप जो है डिस्कस करके फाइनल कर लेते हैं डेट का, है नेक्स्ट वीक में ही सर, रखें। एक सेकंड, एक मिनट और बेटा, अपनी वीडियोस ऑन कर दो प्लीज, एक पिक ले लेते हैं। हाँ, मैं जो है डिस्कस कर लेंगे और डेट डिसाइड कर लेंगे। ओके, ठीक है सर। चलिए, कुछ बच्चों की तो आ गई है, ठीक है। ठीक अच्छा है अच्छा सर, ठीक है, राइट, ओके 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 डॉक्टर सनी, ठीक थैंक है, यू। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देना आप ग्रुप में, ठीक ओके है? ओके। ओके सर, ओके।